Radharani. विराजित हैं. कैसी है उनकी मधुर छवि. लज्जा युक्त सलज नेत्र हैं. मुखार बिंद पे मृदु मधुर मंद मंद मुस्कान. और उनके श्री अंगों से आनंदमय रसमय आनंद रसमय प्रेम धारा के समुद्र निरंतर झर 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 कर रहे हैं. प्रिया जी के श्री अंगों से अनंग रसमय छटा छटा के पुंज छर छर बह रहे. ये छटा अनंगमयी है माने अनंग रसमयी है माने प्रेम रसमयी. ये रूप माधुरी की राधा रानी की कितनी महिमा है कि सकल लोक चूड़ामणि जिनके नौकर जिनके दास ब्रह्मा शिव हैं उनको ये मोहित की हुई अपने प्रति आसक्त की हुई. ऐसी इनकी महा आश्चर्य में श्री अंग की माधुरी है. इनका रूप इतना विस्मयकारी इतना चमत्कारपूर्ण है इतना महाआश्चर्यपूर्ण है कि प्रतिक्षण इनके प्रत्येक श्री अंग से कोटि कोटि रूप के समुद्र प्रवाहित हो रहे हैं. ऐसा रूप है ये रूप है. रूप के कण में किसी को प्राप्त हो जाए दिव्यता का तो उसी में पूर्णानंद की उसमें परमानंद की अनुभूति करेगा. और ये श्रीमती राधा श्री कृष्ण सोचते हैं कि सबको तो मैं आनंद देने वाला हूं सबको हर जीवों को. उपनिषद बताते हैं एशी एव आनंदायति. भगवान श्री कृष्ण ही सबको आनंद देते हैं किसी को भी हर लोक में श्री कृष्ण ही आनंद दाता है. श्री कृष्ण सोचते हैं क्या ऐसा कोई हो सकता है जो मुझे भी आनंद दे सके. सोचते 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 श्री कृष्ण देखते देखते सफल नहीं हो पाए. अंततः वह सोचते हैं एक तरीका है कि कोई मुझे आनंद दे सके. क्या कि यदि कोई मुझसे भी शत गुना संपन्न हो मुझसे 100 गुना श्रेष्ठ कोई हो तो वो मुझे आनंद दे सकता है. श्री कृष्ण सोचते हैं चैतन्य चरित में तो वर्णन आता है आमा होते गुणी बड़ा जगत असंभव. आमा होते बड़ा गुणी में से कोई गुणी जगत में होना जगत असंभव ये संभव ही नहीं है. फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं एकली राश्व राधा ते तहां करी अनुभव. एकमात्र में राधा रानी को ही सक्षम पाता हूं जो कि मुझे भी आनंद दे सकती हैं. अब ये मतलब सोच रहे हो इस संसार में कितने लोग हैं
करोड़ों 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 लोक हैं और ये एक ब्रह्मांड की बात है। जो दूसरा ब्रह्मांड है उसमें कितने लोक हैं? प्लैनेट्स, करोड़ों प्लैनेट्स हैं। तो करोड़ों लोक हैं इस ब्रह्मांड में, करोड़ों लोक हैं अन्य ब्रह्मांडों में, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, इसमें अनंत लोक हैं, इसमें अनंत व्यक्ति विराजमान है, अनेक सुंदरियां हैं, कोई भी श्री कृष्ण को आनंद नहीं दे सकता। अच्छा वैकुंठ लोक कितने हैं? असंख्य। लक्ष्मी, इतने पार्षद, क्या कोई भी श्री कृष्ण को वो आनंद नहीं दे सकता? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, एकली राधा ते तहां करी अनुभव। मैंने अनुभव किया एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही हैं, तभी तो उनकी रूप की ऐसी महिमा है कि रसो वही सह, जो स्वयं रस हैं उनको रस प्रदान करने में सक्षम। वृंदावन महिमा ने जो बताया कि कोई ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर की भी पूजनीय शक्ति है जो ब्रज में विराजित है, वो उन ईश्वर को भी आनंद देने में सक्षम है। श्री कृष्ण के स्वयं की मुखारविंद से निकला है, आमार मोहिनी राधा मोरे करे वश, मुझे मोहित करती है, मुझे पूरा वश में कर लेता है राधा ने। गोपियां कितनी है? 300 करोड़ गोपियां, कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण को आनंद दे सकती। अरे इनके रूप महिमा को तो छोड़ो, श्रीमती राधा रानी की नख चंद्रमणि छटा का, जो उनके दिव्य चरणों से जो छटा के ढेर बहते रहती है कांति, वो कांति जब रास में होती है राधा रानी, जब नृत्य करती हैं, जो समस्त गोपियां करोड़ों गोपियां जब राधा रानी के चरणों से निकली हुई कांति के प्रवाह को देखती हैं, तो वे लज्जित हो जाती हैं और वे चाहती हैं कि राधा रानी के चरणों से निकले कांति का एक कण हम समष्टि सारी गोपियों को एक कण प्राप्त हो जाए तो हम अति धन्य हो जाएंगी। ये है राधा रानी, ये है राधा रानी। ये गोपियां पता है कौन है? ये महासुंदरियां हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मिया के सौंदर्य इनके सामने फीके पड़ जाते हैं, एक ब्रज सुंदरी एक गोपी के सौंदर्य के सामने। ऐसी करोड़ों गोपियां, ऐसा बोलो ऐसे खरबों लक्ष्मियां राधा रानी के चरणों से निकले कांति का एक कण प्राप्ति की याचना करती है, मेरी महारानी श्री राधा। ये गोपियों का काम्य है। और श्री कृष्ण तो ध्यान में बैठ के राधा रानी की नक्ष चंद्रमणि छटा का ध्यान चिंतन मनन करते हैं, और केवल ये चिंतन मनन से राधा नाम से वो पूरे रतिरस उल्लास में एकदम परमानंदित हो जाते हैं। सोचिए राधा रानी के चरण कांति का ध्यान करने से श्री कृष्ण का आनंद नहीं समाता, वे रोमांचित हो जाते हैं। तो जब उनको उनका दर्शन होता होगा तो क्या दशा होती होगी? चरण कांति के आनंद में, राधा रानी के नामानंद में उनको पुलकावली हो जाती है, तो दर्शनानंद में क्या होता होगा? कैसा रस समुद्र है राधा रानी कि उनके नाम से परम ईश्वर जिनके अधीन सब कोई है, उनके नाम से इतना आनंद आ जाता है, और रास में 300 करोड़ गोपियां होती हैं वो चले जाते हैं। राधा रानी की अद्वितीय स्थिति ये हमें समझनी होगी। ये श्री कृष्ण वो हैं मद भयात, जिनके भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मद भया सूर्य, जिनके भय से सूर्य कांति देते हैं, ये श्री कृष्ण हैं। जिनके दास यमराज हैं
कोई बोलता हूँ ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, अच्छा तो भगवान के दास यमराज हैं, तुम्हारे दास यमराज हैं। कभी स्वप्न में भी बोल सकते हो यमराज मेरे नौकर हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ईश्वर जिनके चाकर अनेक यमराज तक हैं, ऐसे प्रभु सखी कहती हैं, सुन रे सखी साच कहत हूं, तू जल है ये नीम, लालन तेरे ही आदि। सुन रे सखी सहज कहत हूं, तू जल है ये मीन, नालन तेरे ही आगे। ये किसी के अधीन रहने वाले हैं? इनके अधीन सब ब्रह्मा शिव, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शिव जिनके नौकर हैं, वो किसी के अधीन रहने वाले? अरे जिनके नक्ष चंद्र में छटा के अधीन हो जाते हैं, उनकी महिमा कैसे कोई वर्णन करे? उनके नामानंद में, अभी दर्शनानंद में, ये जो श्री कृष्ण है ये स्वयं इतने सुंदर हैं कि इनकी वेणु जब बजती है तो श्रीपति ललचाई। श्रीपति कौन? श्री लक्ष्मी, उनके पति नारायण, नारायण तक ललचा जाते हैं श्री कृष्ण के रूप दर्शन के लिए। ऐसा समुद्र है रूप समुद्र, ऐसा रूप समुद्र। लक्ष्मी तपस्या कर रही है, तपस्या लक्ष्मी कर रही है श्री कृष्ण को प्राप्ति करने की। श्री कृष्ण को प्राप्ति करना तो बहुत दूर है, वो बस तपस्या ही कर रही है। उनको ये वाले राधा रानी के दर्शन तो क्या प्राप्त होंगे, उनको श्री कृष्ण के दर्शन ही प्राप्त नहीं होते। जिस दर्शन की हम बात कर रहे हैं, प्रेम अनंग रसमय दर्शन, श्री कृष्ण की परमावस्था, ये तब होती है महाभाव की परम वैचित्री, चरम वैचित्री तब होती है जब श्री राधा कृष्ण का एक एक अणु परमाणु श्रृंगार रस से भीग जाता है, तब उनकी वो अवस्था होती है। आ, आ, एक एक अंग का सौंदर्य, अरे श्री कृष्ण के सौंदर्य समान, जब श्री कृष्ण सामान्य रूप से हो वो दर्शन लक्ष्मी नहीं कर सकती। अनंग रसमय छटा श्री कृष्ण की, उसके दर्शन तो छोड़ दो, वो भी नहीं कर सकती। और युगल सरकार के दर्शन, अरे जो ललिता विशाखा नहीं कर सकते, श्रीमती राधा रानी कुंज में विराजित है। और कुंज पूरा प्रकाशमान हो रहा है उनके दिव्य कांति से, उनके श्री अंगों की कांति से कुंज पूरा प्रकाशमान हो रहा है। कांति जल झल 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 कर रही है, और जो उनका मुखार बिंद है वह अनंत कोटि चंद्रमाओं की शोभा का विस्तार कर रहा है। अब इसका मतलब समझ सकते हैं? इससे राधा रानी का मान नहीं बढ़ा कि अनंत कोटि चंद्रमा की शोभा का विस्तार, इससे चंद्रमा का मान बढ़ा है कि राधा रानी के नाम से उनको जोड़ा जा रहा है एक छोटे से चंद्र को। अरे राधा रानी की दासियां कोटि चंद्रवत नहीं है, दासियां राधा रानी की, अब बताओ दासियां ये गोपियां ये कोटि चंद्रवत नहीं है? तो राधा श्री कृष्ण जो कोटि चंद्रवतनी गोपियां हैं, लक्ष्मी हैं, उनको दर्शन, लक्ष्मी को दर्शन प्राप्त नहीं होते, तो क्या एक सामान्य चंद्रवतनी से श्री कृष्ण आकर्षित होंगे, उनके अधीन होंगे? तो हर अंग से जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजित होती हैं, तो हर अंग से जो आनंद होता है श्री कृष्ण के साथ बैठने से, वो आनंद उनके दिव्य देह में समाता नहीं है। वो जो आनंद है वो बाहर निकलता रहता है प्रकाश पुंज के रूप में, कांति के रूप में, उनके प्रेम के रूप में, प्रेम के समुद्र बहते रहते हैं। अब सोच के देखो क्या छटा है, प्रेम के समुद्र, अनंग रसमय समुद्र। और जब वो उल्लसित होती हैं, उल्लसित होती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं, वो वैसे ही इतने सुंदर हैं। तो जब परम उल्लसित होती हैं तो वो और विशाल विशाल सुंदर हो जाती हैं, सुंदरता की सीमा नहीं रहती है।
रूप की राशि, रूप की सीमा, इससे परे श्री कृष्ण के लिए भी कुछ नहीं है श्रीमती राधा रानी से परे। यह हर अंतिम अवस्था की अंतिम अवस्था है, श्री कृष्ण अंतिम अवस्था है सब जीवों की, कि भगवत प्राप्ति करके आनंद में जीव जाता है। वो आनंद स्वरूप भगवान की अंतिम अवस्था श्रीमती राधा रानी। राधा रानी, श्री कृष्ण कौन है? विष्णु है, उनके भी परमात्मा है, तो श्री कृष्ण है परमात्मा के परमात्मा। राधा रानी क्या है? परमात्मा की परमात्मा की परमात्मा। अमर ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, घर से भरे रहना है, ये वास्तव है। एकल ईश्वर कृष्ण, हर सब भृत्य, सब दास है। और वो कहां पे दास बने होते हैं? किशोर जी के सामने नहीं, उनकी दासियों के सामने। ये महिमा है किशोरी जी की। राधा रानी समक्ष हो चाहे नहीं, श्री कृष्ण का मन, श्री कृष्ण का चित्त, उनके नैन हमेशा राधा रानी की तरफ ही रहते हैं। हमेशा सोते जागते हमेशा, क्योंकि वो ऐसा रस समुद्र है। आप समझो श्री कृष्ण स्वयं रस का घनीभूत स्वरूप है, वो रसमय स्वरूप और रसीले हो जाए तो कितना बड़ा स्वरूप होगा रस का, कितना बड़ा। उनका एक एक श्रीअंग मादक है, मादक। एक एक श्रीअंग से ऐसी ऐसी छटा निकलती है कि श्री कृष्ण एक छटा का दर्शन जब करते हैं वो मादकता से वो आगे देख नहीं सकते। राधा रानी की छटा के आगे कुछ नहीं है, वो राधा रानी के अंग एक अंग से दूसरे अंग पे भी नहीं जा सकते। कोई एक छवि हो, छटा हो, तो कोई वर्णन कर ले। ये तो प्रत्येक क्षण समुद्र के समुद्रों की तरंगे छटा बदलती जाती, अभी और अभी और अभी और अभी और है। कोई एक हो तो भाई अंकित कर ले। राधा रानी का रूप समुद्र, इनका वर्णन कोटि कोटि बृहस्पति कोटि कोटि सरस्वती नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? अरे भाई दर्शन ही नहीं करे तो वर्णन कैसे करेगी? राधा रानी की नक्ष चंद्रमणि छटा का कि एक कण का दर्शन लक्ष्मी तो कर नहीं सकती, अब सरस्वती कैसे करेगी? और बृहस्पति को तो पूछो ही मत, बैकुंठ में तो हम जा नहीं सकते। गोलोक की बात, गोलोक में भी युगल सरकार, युगल सरकार में भी नैवृत्त में कुछ, उसमें अनंत प्रेम भाई दशा को कैसे वर्णन करेंगे? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं वर्ण ही नहीं जाता। श्री कृष्ण स्वयं जो दिन रात दर्शन कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद क्या कह रहे हैं? मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता जो कर रहे हैं दर्शन। राधा रानी के अंग से अंग अंग उठे छवि की हिलोर, राधा रानी के एक एक अंग से छवि की हिलोरें उठती रहती, तरंगे उठती ही रहती। राधा रानी का ध्यान करें। और किस लिए ये आवश्यक है हमारे लिए? किस लिए आवश्यक है सोचिए, किस लिए आवश्यक है? कि मंजरियों का, यानी कि हमारा और कोई आहार ही नहीं है। मंजरी का आहार क्या होता है? युगल सरकार के दर्शन व उनकी सेवा। ये दर्शन होते हैं जिसकी वजह से और वो कहीं श्री कृष्ण की ओर भी नहीं देखना चाहते। ये दर्शन हम इसलिए ये वर्णन कर रहे हैं कि ये बात जब समझ आएगी तो हमारा इधर उधर मन जाना हटेगा। अरे श्री कृष्ण का मन इधर उधर नहीं जाता, राधा रानी की आकांक्षा में वो कुंज गलियों में बैठे बैठे बस इंतजार करते रहते हैं कब राधा रानी आएगी। कौन? जिनके पीछे करोड़ों कोटि रज सुंदरियां, लक्ष्मी से भी अनंत कोटि गुना सुंदर जो हैं,
उनके पीछे तरसती होंगी एक छटा के दर्शन के लिए, वो राधा रानी की दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, कुंज गलियों पे इंतजार करते रहते। ऐसी राधा रानी, ऐसी महिमा में राधा रानी है। सोचो ऐसी कौन सी तपस्या हमने कर ली है जो हमें सुनने को मिल रहा है। ऐसे हमने क्या करें जीवन में, हम अवलोकन करें ये सुनने को मिल रहा है। जो छटा लक्ष्मी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती वो आज सब लोग सुन रहे हैं। लक्ष्मी हमारी, लक्ष्मी मां है, मां लक्ष्मी वो नक्षत्रमयी छटा का दर्शन प्राप्त नहीं करती, आप उनके रूपानंद का पान करते, रूप माधुरी का, आनंद रसमय माधुरी का पान। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, कृपा कृपा, इससे ऊपर कोई कृपा नहीं हो सकती। वो अपने इस छवि के बारे में चाहती हैं कि आप लोग जाने, आप लोग भी पान करें, इसलिए ये किसी को माध्यम बना के आप सब तक पहुंचा रहे हैं। राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के समान उनका श्री अंग है, हमें ऐसा लगता है। ये केवल उपमा देने के लिए है, हमें समझाने के लिए। तपो हुआ सोना तो कोई भी देख सकता है, क्या राधा रानी को कोई भी देख सकता है? सरस्वती बृहस्पति लक्ष्मी तो देख नहीं सकते, तो तपो हुआ सोना तो यहाँ तो मोची भी देख सकते हैं, तो क्या ऐसी है राधा रानी की, ऐसे कोई भी दर्शन कर लेगा आनंद रस में? तेजो रूप तेजो निधि में सुधा निधि में है 267। नेत्रादि पिंडे स्थित, ऐसे नेत्र मुझे प्रदान करें राधा रानी के मैं आपके उस अनंग रसमय छटा का दर्शन कर पाऊं। तप्त कांचन गौरांगी, तो ऐसी कांति है उनकी, हमें हमें समझने के लिए ये बताया जा, ऐसी कांति पर ऐसी है राधा रानी के दिव्य अंग कांति झल 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 रही है। वह पितारुण छवि, उसके बाद राधा रानी मुस्का जाती है। आहा, ये दो राधा रानी का ये मुख सदन है, ये सुखमा सदन, सुखमा सदन, ये शोभा का सदन है, शोभा, शोभा का महल है, शोभा का घर है, शोभा का सदन है। तो राधा रानी का जो मुखारविंद है उसमें जो सबसे कीमती, सबसे रसमय, जो सबसे प्रमुख रत्न है वह उनका है दिव्य अधर सुधा, अधर सुधा, राधा रानी के दिव्य अधर सुधा, ये उनका सबसे सबसे मुख्य रसमय छवि प्रदान, रसमय रस प्रदान करने का प्रमुख प्रदेश है। जब राधा रानी मुस्काती हैं तो पितारुण छवि, वह लाल लाल छवि, साथ में दंत कौमुदी की सफेद छवि, प्रेम छवि, आनंद छवि, रसमय सफेद छवि और लाल समुद्र, रोम रोम से समुद्र बहे जा रहे हैं दिव्य अनेक प्रकार के, ये है रसमय रंगमय दर्शन, रंगमय दर्शन। ऐसे राधा रानी के दर्शन से पूरा कुंज उनके दिव्य देह की कांति से, उनकी मुस्कान से पूरा कुंज ढेर का ढेर शोभा भर जाती है, ढेर का ढेर सुख बह रहा है।